वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट. दिस इज पंकज सिंह. हम कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम समझेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गे लूजेक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की भी बात करेंगे एंड डाल्टन्स लॉ. इन सब लॉ को हम डिस्कस करेंगे एंड प्रॉपरली इस पर इनपे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. ट्राई टू मेक दैम एज सिंपल एज पॉसिबल. कुछ लॉ अपने नाइन्थ में पढ़े हैं, कुछ नए हैं. आई ट्राई टू अगेन मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. बट बिफोर वी स्टार्ट, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कोचिंग फॉर क्लास 11th, 12th, IIT JEE, NEET, CU CET और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. So if you want to enroll, you can contact us on this given WhatsApp number or also write us on the given email ID. Okay. So laws of chemical combination में जो सबसे पहला law है वो है law of conservation of mass. आप सबने सुना है, कुछ नया नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे हैं. सीधी सी statement, matter can neither be created nor destroyed. It's written there, देखिए. Matter can neither be created nor destroyed. And this is called law of conservation of mass. क्या कुछ और पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं. That's it. अच्छा, chemistry में क्या significance है इसका? पहला significance ये कि आपने ये सुना होगा कि in a chemical reaction, total mass of reactants is equals to total mass of product being formed. For example, एक reaction है in which calcium carbonate is decomposing to give carbon dioxide and calcium oxide. तो अगर इसमें calcium carbonate हमने 100 gram लिया है और for example, let's say carbon dioxide 44 gram बन रही है, तो calcium monoxide कितना होगा? एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने जितना रिएक्टेंट लिया था ना, टोटल प्रोडक्ट भी उसका, मतलब सारे प्रोडक्ट्स का टोटल मास भी उतना ही होना चाहिए. तो बिल्कुल ही 6 ग्राम. ठीक है, दिस इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. अच्छा, दूसरा सवाल. नाउ दिस लॉ is makes basis for balancing chemical reaction. कोई आपसे बोले why do we balance our chemical reactions? आप बोलेंगे just to follow the law of conservation of mass. I hope balancing सबको आती होगी, नहीं आती होगी इस chapter में हम वो भी सीखेंगे. अच्छा, और कुछ पढ़ना है? कुछ भी नहीं इसके अंदर. क्या ये हर केस में applicable होता है? नहीं. In case of nuclear reactions, ये law फॉलो नहीं होता. आपने एक फॉर्मूला सुना होगा E=mc² विच सेज मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो वहां पर ये लॉ फेल हो जाता है. न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये काम नहीं करता. अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इतना ही है, दैट्स इट. द सेकंड लॉ विच कम्स इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज consist exactly same proportion of elements by weight. ये इस statement से ना ज़्यादा interesting statement आपको मैं एक और दिखाता हूँ NCERT में लिखी हुई है आपकी. Just a minute. This one. ये statement. Irrespective of the source. आप exam में यही वाली statement लिखी गया. Irrespective of the source. A given compound always contains same elements combined together in same proportion by mass. इसका मतलब क्या है? Let me explain you. Let's say हमारे पास water है. Just a minute. हमारे पास है class water. ठीक है. So irrespective of its source, आप water के बहुत सारे source हो सकते हैं. Ground water, rain water. किसी की बॉडी में से निकला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मार्स पे से लेकर के आए. इफ इट इज वाटर, इट मस्ट फुलफिल टू थिंग्स. फर्स्ट, इट विल ऑलवेज हैव सेम एलिमेंट्स लाइक
वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम सबको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो कोई ये नहीं कह सकता जी हमारे यहाँ के वाटर में तो कार्बन और ऑक्सीजन होता है, नहीं। अगर हमें कुछ ऐसा मिल भी गया जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह कोई और एलिमेंट है, तो चाहे उसकी कितनी भी प्रॉपर्टीज वाटर से मिलती हो, हम उसे वाटर नहीं कहेंगे। इट विल बी कॉल्ड वाटर इफ इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, सेकेंड बात, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं होगा, इट मस्ट हैव अ सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब H2O में रेशियो क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, आप बोलेंगे 2:1। गलत, उस रेशियो की हम कभी बात नहीं करते, हम करते हैं रेशियो बाय मास की बात। दो हाइड्रोजन एटम्स का मास 2 ग्राम पर मोल, एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम पर मोल, रेशियो हो गया 1:8। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेशियो। सो अ गिवन कंपाउंड विल हैव टू थिंग्स, इट विल ऑलवेज हैव सेम एलिमेंट्स, सेकेंड इट विल ऑलवेज हैव सेम रेशियो बाय मास। फॉर एग्जाम्पल H2O और H2O2 को अगर आप देखेंगे ना, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, डिफरेंस किसका है, मासेस के रेशियो का। वाटर में रेशियो ऑफ द मासेस इज 1:8। H2O2 में कितना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 1:8 नहीं है, क्या है आप मुझे बताइए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट लॉ के ऊपर। नेक्स्ट लॉ है थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ज्यादा जरूरी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। रीड करेंगे लाइन बाई लाइन एंड देन विल प्रोसीड इसको समझने के लिए। एक सेकेंड दीजिए मुझे। देखिए, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in a small, in a ratio of small whole numbers। ठीक है, that's it। फोकस करिए दो तीन चीजों पे। पहला, if a element can combine to form more than one compounds, means this law is applicable only when same elements are forming multiple compounds। आर देर एन एग्जाम्पल्स, यस देर आर मैनी एग्जाम्पल्स। एक तो अपने सामने ही लिखा है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और भी। एक हुआ अपना ये H2O और H2O2, ठीक है। दूसरा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड लेट्स से वन मोर सल्फर मोनोऑक्साइड। All these type of cases in which same elements are forming different compounds, this law is applicable। अच्छा, क्या है कहता है ये law, अभी देखते हैं। Let's talk about H2O and H2O2। इसमें दो elements कौन कौन से हैं, hydrogen और oxygen। Hydrogen का mass कितना है first वाले में, 2 ग्राम। Second में भी दो hydrogens हैं, 2 ग्राम। Next में सिर्फ एक oxygen है, मतलब first वाले में oxygen सिर्फ एक है, तो it's 16 ग्राम। दूसरे में दो ऑक्सीजन है, इट्स 32 ग्राम। लॉ क्या कहता है, लॉ की स्टेटमेंट एक बार आप और देखेंगे, विल कम टू नो। द मासेस ऑफ दैट एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। हाइड्रोजन का मास फिक्स है दोनों कंपाउंड में, तो अब आप ऑक्सीजन के मासेस को जब देखोगे ना, तो इट विल बी अ सिंपल रेशियो, आपको दिख ही रहा है, इट इज 1:2। रेशियो क्या होगी ये फिक्स नहीं है, लॉ सिर्फ इतना है, व्हेनेवर टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स एंड इफ द मासेस ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, द मास ऑफ अदर एलिमेंट विल बी इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर, लाइक इन दिस केस इट वाज 1:2:2। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इज 12 ग्राम, ऑक्सीजन इज 32 ग्राम, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज वंस अगेन 1:2:2। लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री टुगेदर्स, सल्फर ऑक्सीजन। 16 होता है, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है, दैट्स वाई ऑक्सीजन इज ऑल्सो 32। वन सल्फर 32, ऑक्सीजन 48। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। Masses of sulfur is fixed, the ratio of masses of oxygen is
16:48:32 or 1:3:2 or 1:2:3, जो बोलना चाहे, अ सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट्स इट, बस लॉ यही कहता है. अच्छा, एक और केस देखते हैं. लेट से CH4, C2H6, C2H2 कार्बन और हाइड्रोजन हैं. कार्बन 12 है 24 है 24 है, हाइड्रोजन 4 है 6 है 2 है. नाउ यू सी, अब तक के सारे केसेस में ना एक का मास फिक्स होता था, या किसी का मास फिक्स नहीं है, तो हम फिक्स कर देंगे. कैसे कर देंगे? सेकंड में हाइड्रोजन इज 24, थर्ड में हाइड्रोजन इज 24, बट फर्स्ट में हाइड्रोजन इज 12. इफ़ आई मेक इट 24, डबल कर दिया, तो कोई बात नहीं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम हाइड्रोजन को भी डबल कर देंगे. नाउ द मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड. नाउ व्हाट आर द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ हाइड्रोजन? 8:6:2 विच इज 1:3:4 or 4:3:1. अगेन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. द लॉ इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो. लॉ हैज बीन वेरीफाइड. डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ. सी, नेक्स्ट लॉ इज गे लुजेक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम. सी, दिस law is applicable only when the reactants and products are gases. So have a look at the statement. When gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases are at the same temperature and pressure. What do we mean by this? How can we interpret this statement? Let me make it simpler for you. Let's say there's a reaction in which hydrogen gas combining with oxygen gas to form water vapors gas. Okay. Now in this, what we can see, 1 mole hydrogen is reacting with 0.5 mole oxygen to form 1 mole water vapor, or their ratio is 2:1:2. So as per the Gay-Lussac's law, the ratio of volume will also remain same. Means if you take 2 liter hydrogen, you will need 1 liter oxygen to form 2 liter water vapors. If you take 100 mls of hydrogen, you will have to take 50 ml of oxygen and 100 ml of water will be formed. Means whatever is the ratio of number of moles, obviously the ratio of number of mole is simple always, the same ratio will remain for their volumes also. Now, you may think at a place ki simple, azan si to baat hai, naya kya hai iske andar? Naya hai. Kya naya hai? Ye sirf gases ke liye hai. Agar ye liquid ya solid hote na, aap aise simply nahi kar sakte the. Kaise nahi kar sakte the? Aap karke dekhenge. Agar, let's say, agar 2 mole solid given hai, to pehle aap mole ko mass mein convert karoge, phir density ko use karke uska volume nikaloge, ratio garbad ho jayegi. In case of gases only, the ratio will be, the ratio of volumes will also be simple, as just like the ratio of their number of moles or molecules. The next law is Avogadro's law. See, they have shown the same example which you are talking about. If hydrogen is 100 ml, oxygen has to be 50 ml, water has to be 100 ml. Okay. Now, Avogadro's law. See, let me ask you, ek number tha na, 6.02 to 10 power 23, Avogadro's number. मैं आपको बताता हूँ, दैट नंबर वॉज नॉट गिवन बाय एवोगैड्रो. इट वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ एवोगैड्रो. तो एवोगैड्रो ने क्या कहा था? एवोगैड्रो ने दिया था लॉ. इस लॉ से हमें हेल्प मिली उस नंबर को प्रिडिक्ट करने में. ठीक है, लॉ क्या था देखते हैं. लॉ था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर should contain equal number of
मॉलिक्यूल्स, खत्म बात। कैसे इंटरप्रेट करें इसको मैं करवाता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। आपके पास दो अलग अलग गैसेस हैं, लेट्स से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या दुनिया की जितनी मर्जी गैसेस ले लीजिए, दे बोथ आर गैस। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ठीक है। या फिर इनफैक्ट इसको हमने आगे जाके और अच्छे तरीके से अप्लाई किया, दे आर फोर थिंग्स ऑन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस डिपेंड्स: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। एंड इफ देर आर टू गैसेस फॉर विच एनी ऑफ द थ्री प्रॉपर्टीज आर सेम, फोर्थ विल ऑल्सो बी सेम। अगर कि दो गैसेज या दस गैसेज या कितनी भी गैसेज ले आइए, अगर उनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर भी सेम होगा। अगर उनका प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा। अगर तीन चीज़ें सेम है, फोर्थ भी सेम होगी, एवोगैड्रोस लॉ। और यहीं से आया था, टू बी मोर एक्यूरेट, अगर मैं एसटीपी कर दूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लूं, और नंबर ऑफ मोल ले लूं 1 मोल, तो वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। दैट्स इट, आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट समझ में, कोई भी लॉ समझ में नहीं आया हो, आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।